नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे माँ देवी लक्ष्मी के प्रिय पुष्प कौन कौन से हैं और इसे चढ़ाकर हम माँ देवी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। कहते हैं अगर विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा की जाए तो वह अपने भक्तों को सदा संपन्न रहने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। उनके आशीर्वाद से भक्तों को कभी भी धन की कमी नहीं होती है। माँ लक्ष्मी की पूजा में उनके पसंद की वस्तुएँ अर्पित करना चाहिए। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अत्यंत प्रिय है, लेकिन इसके अलावा और भी कई ऐसे फूल हैं जिन्हें माँ लक्ष्मी पसंद करती हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। साथ ही दोस्तों, डेली पूजा के अलावे किसी खास उत्सव, विशेष त्योहारों, दीपावली पर माँ लक्ष्मी को उनके प्रिय फूलों को चढ़ाकर विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। लाल रंग का गुड़हल का फूल माँ लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी को लाल गुड़हल का फूल अर्पित करने से धन संपदा आती है, समृद्धि में वृद्धि होती है। दीपावली में भी महालक्ष्मी को लाल हिबिस्कस चढ़ाकर उन्हें अति प्रसन्न कर सकते हैं। सफेद कनेर का फूल महालक्ष्मी को अति प्रिय है। माँ लक्ष्मी को सफेद कनेर का फूल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि शांति आती है, तनाव से मुक्ति मिलती है। कहते हैं जिस घर में कनेर के फूल के पेड़ लगा हो वहाँ धन का अभाव नहीं होता, ये मन को शांत रखता है। कनेर के फूल रंगों में सफेद, पीले, गुलाबी और लाल रंग के होते हैं। सफेद और पीले रंग के कनेर अति प्रिय हैं देवी देवताओं को, और महालक्ष्मी को भी सफेद कनेर के फूल चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। गुलाब के फूल प्रायः हर घरों में पाए जाते हैं। रंगों में यह सफेद, गुलाबी, पीले, नीले, लाल रंगों में होते हैं, जिनमें से लाल रंग काफी लोकप्रिय है। लाल रंग के गुलाब माँ देवी को भी अति प्रिय होते हैं। लाल गुलाब की सुगंध से देवी लक्ष्मी जल्द प्रसन्न होती हैं। देवी लक्ष्मी को शुक्र का स्वामित्व प्राप्त है। लाल गुलाब देवी को अर्पित करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है, जिससे भौतिक सुख प्राप्त होता है, साथ ही धन संपदा में भी बढ़ोतरी होती है। गेंदे का फूल भी भारत में काफी लोकप्रिय है। प्रायः हर घरों में गेंदे के फूल देखे जाते हैं। कई सारी इनकी प्रजातियां होती हैं और गेंदे के फूल जो होते हैं देवी देवताओं को भी अति प्रिय होते हैं। आमतौर पर गेंदे के फूल सर्दियों में ही खिलते हैं और दीपावली में इनकी फ्लावरिंग भी होती है, जिसे हम माँ देवी लक्ष्मी को चढ़ाकर उन्हें अति प्रसन्न कर सकते हैं। गेंदे के फूल में भी बहुत अच्छी सुगंध होती है। इनकी जाफरी वैरायटी में भी बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। इस वजह से माँ देवी को अति प्रिय है गेंदे का फूल, और साथ ही गेंदे का फूल भगवान विष्णु का भी प्रिय माना जाता है। मान्यता है कि शुक्रवार को महालक्ष्मी को ये फूल चढ़ाने से वो प्रसन्न होती हैं। गेंदे के फूल अर्पित करने से ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। माँ लक्ष्मी कमल के फूल पर विराजमान है। सभी फूलों में कमल उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय है। कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन ये सुंदर और निर्मलता का प्रतीक है। कमल पर विराजित देवी लक्ष्मी उस व्यक्ति पर मेहरबान होती हैं जो बुरे समाज में भी कमल की तरह निर्मल रहे, पाप से कोसों दूर रहे। वैसे तो कमल सफ़ेद, पीले, गुलाबी और लाल रंग के होते हैं। लाल रंग के कमल के फूल माँ देवी को अति प्रिय होते हैं। वैसे आप चाहें तो किसी भी रंग के कमल के फूल माँ देवी को अर्पित कर सकते हैं। कहा जाता है कि जब भी दीपावली या फिर लक्ष्मी पूजा की जाती है तो कमल का फूल अवश्य चढ़ाना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। लाल गुड़हल के साथ साथ नीले रंग के गुलहड़ के फूल चढ़ाने से भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को शुभ आशीष प्रदान करती हैं। साथ ही भक्तों पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। प्रिय भक्तजनों, ये थे कुछ विशेष पुष्प जो माँ लक्ष्मी को अति प्रिय हैं। ये पुष्प आमतौर पर हमारे बगीचे में और हमारे आसपास मिल जाते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से यश और कीर्ति प्राप्त होती है। यही नहीं, धन की प्राप्ति के लिए भी लक्ष्मी पूजा को बहुत ही विशेष माना गया है। इसलिए माँ लक्ष्मी की पूजा भी खास विधि विधान से करनी चाहिए। इनकी पूजा में इनके प्रिय चीज़ों को रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त इनकी जो प्रिय फूल है इनसे माँ देवी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे माँ देवी की कृपा हम पर बनी रहती है। कमल के पुष्प माँ देवी को अति प्रिय हैं। इसके साथ ये सारे पुष्प भी माँ देवी को अति प्रिय हैं, जो आजकल बहुतायात मात्रा में खिलते भी हैं और दीपावली के समय भी ये सारे फ्लावर हमारे बगीचे में खिले मिल जाते हैं।
अतः हम डेली की पूजा में भी माँ लक्ष्मी की पूजन में इन सारे पुष्पों को शामिल कर सकते हैं और माँ की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी सूचना धार्मिक पुस्तकों से ली गई है, आप विशेषज्ञ की भी सलाह ले सकते हैं। आप पर माँ लक्ष्मी की विशेष अनुकंपा बनी रहे। फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।